आज ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट 2023 को एक ग्रैंड शुरुआत मिल गई है, जिसके चलते ग्लोबल स्तर पर कनेक्ट, कोलैबोरेट और क्रिएट करने की बात की जा रही है। ऐसे में ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट 2023 की शुरुआत को अंजाम देते हुए वर्चुअल कनेक्ट के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरिटाइम से जुड़े 4 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। और साथ ही ऐसे मौके पर मुंबई में चल रहे ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट के दौरान मैरिटाइम सेक्टर को लेकर सेंटर और स्टेट का बेहतरीन कोऑर्डिनेशन भी देखा गया, जिसके चलते यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के साथ साथ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस की अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिग्निटरीज के साथ मंच पर मौजूदगी देखी गई। तो आइए ले चलते हैं आपको ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट 2023 के कार्यक्रम पर और दिखाते हैं आपको कार्यक्रम से जुड़ी झलकियां। हम सब जानते हैं कि दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड सी रूट से ही होता है। साथियों, इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मैरिटाइम कैपेबिलिटी मजबूत रही है, देश और दुनिया को इससे बहुत लाभ हुआ है। इसी सोच के साथ बीते 9-10 वर्षों से हम इस सेक्टर को सशक्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरिटाइम इंडस्ट्री के कायाकल्प का सामर्थ्य रखता है। G20 समिट के दौरान इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी। सैकड़ों वर्ष पहले सिल्क रूट ने वैश्विक व्यापार को गति दी थी। ये रूट दुनिया के कई देशों के विकास का आधार बना। अब ये ऐतिहासिक कॉरिडोर भी रीजनल और ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर बदल देगा। नेक्स्ट जनरेशन मेगा पोर्ट्स और इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इसका निर्माण, आइलैंड डेवलपमेंट, इनलैंड वाटरवेज, मल्टी मॉडल हब्स का विस्तार, ऐसे कई बड़े काम इस योजना के तहत किए जाने हैं। इस कॉरिडोर से बिजनेस कॉस्ट कम होगी, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी बढ़ेगी, पर्यावरण का नुकसान कम होगा और बड़ी संख्या में जॉब्स का भी निर्माण होगा। यह शिखर सम्मेलन सहयोग, नवाचार और विचारों के आदान प्रदान का एक स्थान है, जहां साझेदारी बनाई जाएगी, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाएगा और समुद्री उद्योग की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की अवसरों की खोज की जाएगी। हमें अपने युवाओं के बीच समुद्री क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने की भी जरूरत है। शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान निवेश करने से हमारे युवा इस आवश्यक क्षेत्र में सार्थक योगदान दे सकेंगे और महाराष्ट्र को विश्व प्रसिद्ध समुद्री गंतव्य के रूप में स्थापित कर सकेंगे। इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर एंड टू वेलकम यू एट ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट। महाराष्ट्र इज द प्रोमिनेंट मैरिटाइम स्टेक होल्डर। वी आर ब्लेस्ड विद 720 किलोमीटर कोस्ट लाइन फीचरिंग 2 मेजर पोर्ट्स, ओवर 14 नॉन मेजर एंड intermediate ports and numerous creeks along the Arabian Sea coast. All these things contribute significantly to India's maritime supply chain and trade promotion. Maharashtra Maritime has also been instrumental in developing passenger transport service. We have introduced new routes and have increased frequency of operational services. Jawaharlal Nehru Port Authority handle about half of the all containerized cargo volume across India's major ports. JNPA is among the best performing ports in India and within top 30 global ports. It gives the evidence of government's unwavering commitment to sectorial growth and development. Whatever we see Mumbai today is largely due to Mumbai Port. Mumbai Port Authority offers one of the best but lowest cruise tariff across the globe. In 2024, Maharashtra is set to host one of its kind, an international cruise terminal in Mumbai. Maharashtra ports line up to government plan on future intervention, implementation such as setting up hydrogen hub, LNG bunkering, developing deeper draft among others. Our focus is on developing
मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी दैट इंटीग्रेट रेल सी एंड वाटरवेज। वी आर कमिटमेंट टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक्स इफिशियंसी एंड एनहांसिंग कनेक्टिविटी अलाइनिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ पीएम गतिशक्ति। वी आर extremely grateful for the gracious presence of our honorable prime minister Shri Narendra Modi ji at this inaugural session of global maritime india summit 2023. It is under his visionary leadership that india's maritime sector has achieved remarkable feat and progressed swiftly towards becoming a global maritime leader. Our honorable prime minister's visions of transformation through transportation has seen radical growth in the coastal and inland waterways. Inland waterways transport sector witnessed a stupendous growth of 1700% in cargo movement during past 9 years. During the first Maritime India Summit at Mumbai in 2016, Honorable Prime Minister launched the National Prospective Plan for the holistic development of the Indian coastlines and maritime sector under our flagship initiative Sagarmala. Second Maritime India Summit, Honorable Prime Minister launched the Maritime India Vision 2030, charting out our grand vision and planning our goal for this decade. This summit marks another milestone in India's maritime heritage, serving as a global platform to engage with stakeholders and investors.